बलोचिस्तान को और पश्तूनख्वा को तारीख में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फरोग मिलेगा और मुनाफरत कम होगी और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहाँ के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज़ है। इस मौके पर आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूँगा जिस पर हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकज़ई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के खिलाफ, अवाम के हकूक के लिए, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए, कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाजम व मलजूम है, लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पर एक मौकफ है तहरीक इंसाफ का, जो आईनी मौकफ है, जिस पर अचकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आईन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज्यादती की गई, जो उनके वहां गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लियामान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर यूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब, और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलों से इश्यूज हल नहीं होंगे, जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लियामान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारत। बहरहाल इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकज़ई साहब को सदर बनाएंगे, और इसमें हमारे तमाम इकाइयां, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहबान, मरकज से हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूंगा अचकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े कि थोड़ा सा अपने ख्याल के इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। फुरबिल से एतराज जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की अगानगत और इतिहाद से तकलीफ तो पहुंचेगी। अली मोहम्मद साहब चले गए, मुफावत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है वो 2018 में क्यों नहीं की, और जो लकाबात जो अल्फाजात महमूद खान अचकज़ई के बारे में असेंबली में इस्तेमाल करते रहे पानी PTI, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया सर जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफर करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूं, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में जंदान से दिया है, वो इमरान खान ने दिया, कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ खोसा साहब, भाईजान आप की तवज्जो चाह रहा हूं, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा जना जो है वो एक काबिल नफरत और काबिल ताजीर जुर्म होता था, निकाह में सजा पाने के बाद 1500 साल की तारीख में पहली बार किसी मुसलमान को निकाह करने पे सजा मिली है, इन सारी चीजों को बर्दाश्त करने के बाद और अपने बहुत से जवान खोने के बाद, जिले शाह शहीद होने के बाद और इस तरह की बेशुमार कुर्बानियों के बाद, अरश शरीफ की शहादत के बाद मैसेज अंदर से क्या गया कि मैं फतह मक्का मॉडल पे यकीन रखता हूं,
मैं सियासी इस्तेहकाम पे यकीन रखता हूँ, सियासी इंतकाम पे नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह गैर मुस्लिमों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का मॉडल के लेके अपने मुल्क ठीक किए, और मिसाल उन्होंने दी नेल्सन मंडेला साहब की कि उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के मुल्क को आगे लेके गए। ये इमरान खान का मैसेज है जेल से, सियासी इस्तेहकाम का। सर, पीपल्स पार्टी का